और अपने साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ एनएमडीसी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ मुखर्जी वो जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। और उनके पहले आपको ज़रा नंबर्स भी दिखा देते हैं। एक ही फ्रंट पे हमको नंबर्स में थोड़ा कमी आते हुए दिखी, वो थे मार्जिन्स। वो 39% से घटकर 37 है। अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, एबिटा, ये सब में आपको ग्रोथ दिखेगी। सिर्फ एक ही जगह पर आप डाउन एरो देखेंगे। अमिताभ जी, इसी से क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ। आपका 37% का मार्जिन्स है, आगे की जरा ट्रेजिक्ट्री बता दीजिए, ये घटेगा या फिर रिकवर होकर वापस आ जाएगा? देखिए, ये तो इस साल जो हमारी जो Q1 रही है वो इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटीज जो रही है, ये जब से ये कंपनी बनी है सबसे ज्यादा रही है। दिस इज हाईएस्ट सिंस इंसेप्शन। पहला तीनों महीना अप्रैल, मई और जून, तीनों महीना दे बिन हाईएस्ट सिंस इंसेप्शन। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन की बात है। टर्नओवर भी करीबन 10-11% बढ़ा है, ऑल्दो प्राइसेस जो है वो 30% घटी है एज कम्पेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर, बट हमारी टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल से बेहतर रही है और ये अपने आप में काफी संतोषजनक है। इस साल FY24 में हम लोग उम्मीद करते हैं कि 47 to 49 मिलियन टन की प्रोडक्शन और सेल्स करना, और उम्मीद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि हम लोग 50 मिलियन टन तक भी कर सके। सबसे अच्छी बात जो इस साल रही है वो ये है कि हमारी आज तक की जो सेल्स है वो करीबन हमारी प्रोडक्शन से करीबन 1 मिलियन टन ज्यादा रही है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए संतोषजनक बात है जो कि हमारे मार्जिन्स और हमारे टर्नओवर को जो है वो ड्राइव करेगी। ठीक है, ऑल राइट। एक और चीज़ अमिताभ जी, तो आप अपना, क्योंकि हमने देखा कोक, कोल प्राइजेस, यहाँ पर मार्जिन्स तो फर्दर इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन आगे आप आउटलुक क्या देख सकते हैं, ट्रेंड कैसा रह सकता है इनका? हाँ, ये तो देखिए 37% बेहतर तो जरूर होगा क्योंकि हमारी जितना प्रोडक्शन बढ़ेगी हमारी कॉस्ट पर टन ऑफ प्रोडक्शन उतना घटेगी और टू दैट एक्सटेंट हमारी ईबीटा जो है वो बढ़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईबीटा जो है वो 40% के आसपास जो Q1 में रही है वो इस साल हमारी इंटायर ईयर की भी ईबीटा जो है 39 to 41% के बीच में मैं उम्मीद करता हूँ रहेगी। कोल का तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास दो ब्लॉक हमें अलॉट हुआ है, एक रोहने और एक टोकीसूड, दोनों झारखंड में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल के अंत तक कम से कम टोकीसूड में हम लोग जो है एटलीस्ट माइनिंग चालू कर पाएंगे। सारे अभी अप्रूवल्स जो है उसी अभी प्रोसीजर में है, अभी प्रोसेस में है। MDO जो है हम लोग 1 साल पहले ही अपॉइंट कर चुके हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल के अंत तक कम से कम उम्मीद करते हैं कि एक जो टोकीसूड है उसमें हम लोग शायद माइनिंग चालू कर पाए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। अमिताभ जी, आपने कई प्राइस कट लिए हैं, लेकिन जुलाई 18 में आपने एक बार वापस से प्राइस इंक्रीज़ किया है आयरन ओर का। आप आगे का ज़रा राह दिखा दीजिए, ये बढ़ेंगे या फिर यहीं पे स्टेबल हो जाएंगे? नहीं, देखिए 18 जुलाई को जो हुआ था, क्या क्या है कि हमने अपना प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो जो आके सिर्फ बेसिक प्राइस ना हम लोग डिक्लेयर करते थे उसको चेंज करके हम लोग अभी इंटीग्रेटेड प्राइसिंग में चले गए हैं। तो देख के लगता है कि हमने प्राइसेस बढ़ाया है लेकिन वो एक्चुअली इफेक्टिवली अगर नेट रियलाइजेशन मेथड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं बढ़ी है, इनफैक्ट थोड़ी सी घटी ही है। और इस एंटायर Q1 में अगर आप देखे हैं तो कि हमें 2-3 बार प्राइस घटाना पड़ा है और हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इमीडिएटली अगले 1-2 महीना में कि प्राइस शायद बढ़े। अब अगले 3-4 महीना बाद क्या होगा ये तो अभी से कह नहीं सकते, मार्केट इज डायनामिक, लेकिन इमीडिएट टर्म में तो बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि प्राइसेस बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। प्राइसिंग प्रेशर तो अभी भी काफी ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्राइसिंग जो डाउन टर्न है ये जो कम रही है इसका हम लोग जो है मेकअप जो है कंपनसेट जो है वो हम अपने वॉल्यूम्स के बढ़ा के कर जरूर कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर मुखर्जी, आज समय देने के लिए और सारे सवालों के जवाब देने के लिए, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।